टू आई केमिस्ट्री चैनल। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं आज की। तो देखो बेटा, हमने लगभग सारे टॉपिक्स कवर कर चुके हैं, मैटर्स अराउंड अस प्योर और नॉट। अब बेटा दो टॉपिक बच जाते हैं इसमें, कौन कौन सा, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, ठीक है, और प्योर सब्सटेंसेस को क्लासिफाई करना, ठीक है। तो देखो पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं बेटा, फिजिकल एंड केमिकल चेंज। क्या है बेटा टॉपिक का नाम है, नाइन्थ क्लास का, ठीक है। क्या है बेटा, नाइन्थ क्लास का टॉपिक है फिजिकल एंड केमिकल चेंज, फिजिकल एंड केमिकल चेंज। ध्यान से बेटा आपको समझना है, फिजिकल एंड केमिकल चेंज, ओके जी। अब देखो बेटा फिजिकल और केमिकल चेंज क्या होता है, पहले तो ये पढ़ो, पहले ये समझो। फिजिकल चेंज देखो, हमें पता है बहुत सारी हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, आप जानते हो बहुत अच्छे से, भाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, फ्लूइडिटी, ठीक है, आप जानते हो ना बेटा। तो देखो ये तो हमारी सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। क्या होता है, अब होता क्या है फिजिकल चेंज में, क्या होगा, द इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स। जब स्टेट्स का इंटर कन्वर्जन हो जाए तो उस प्रोसेस में फिजिकल चेंज अगर होगा। तो फिजिकल चेंज की डेफिनेशन की अगर मैं बात करता हूं बेटा, तो फिजिकल चेंज क्या हो गया, फिजिकल चेंज तो क्या हुआ बेटा, द इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर इज कॉल्ड, क्या कहेंगे बेटा, इज कॉल्ड फिजिकल चेंज, ठीक हो गया, इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। समझ रहे हो बात, इज इट क्लियर और नॉट, इतनी बात क्लियर है बेटा। तो देखो जब इंटर कन्वर्जन होगा स्टेट्स ऑफ मैटर में, तब उसको हम फिजिकल चेंज कहा जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल आपको बता रहा हूं बेटा, वाटर है हमारे पास, ठीक हो गया, ओके, हमारे पास क्या है, बर्फ है, आइस है, ठीक हो गया, और वाटर वेपर्स है बेटा। ये देखने में सब अलग है बट दे आर केमिकली सेम, ठीक हो गया, इस वजह से इसमें क्या होगा बेटा, फिजिकल चेंज होगा। इज इट क्लियर और नॉट, इतनी बात क्लियर है बेटा। अब देखो मैं दूसरा एग्जाम्पल ले रहा हूं बेटा, वाटर है हमारे पास और हमारे पास क्या है बेटा, कोई भी ऑयल ले लो, ठीक है। अब देखो इन दोनों की स्टेट क्या है बेटा, लिक्विड है, समझ रहे हो बात, दोनों लिक्विड स्टेट में, बट हमें पता है ऑयल बर्न करता है बेटा इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, जानते हो भाई आग के क्या होता है बेटा, घी के दिए जलते हैं, घी क्या है बेटा, हमारा ऑयल है, समझ रहे हो बात, क्लियर है। तो देखो ऑयल इन द प्रेजेंस ऑफ एयर में क्या होता है बेटा, बर्न होता है, ठीक हो गया, बट अब वाटर क्या करता है बेटा, वाटर से आग बुझाते हैं, समझ रहे हो बात। तो देखो इसका मतलब दोनों लिक्विड सेम है, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी दोनों की सेम है बट दे आर केमिकली डिफरेंट। इज इट क्लियर और नॉट, इतनी बात क्लियर है। तो देखो ऐसा चेंज जिसमें उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएं, तो उस चेंज को क्या कहेंगे बेटा, केमिकल चेंज कहेंगे। इज इट क्लियर और नॉट, इतनी बात क्लियर है बेटा। तो केमिकल चेंज क्या होगा, इस टाइप का चेंज होगा बेटा जिस चेंज में क्या होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज डिफर कर जाएंगी, ठीक हो गया। दिस चेंज अकर्स व्हेन केमिकल प्रॉपर्टीज डिफर, सही है बात। इज इट क्लियर और नॉट, बात समझ में आई बेटा या नहीं, ऑयल और वाटर के एग्जाम्पल से आप केमिकल चेंज समझे या नहीं बेटा जी, ठीक हो गया, कमेंट करके जरूर बताना, ओके। अब देखो बर्निंग, कोई भी चीज अगर बर्न हो रही है तो इज ए फिजिकल चेंज होगा, ध्यान रखना बेटा जी बात, बर्निंग इज ए केमिकल चेंज, ठीक हो गया, समझ रहे हो, क्योंकि स्टेट चेंज हो जाएगी, बर्निंग इज ए केमिकल चेंज, ठीक है, बात क्लियर है बेटा। अब देखो ये आप समझ गए बेटा, लगभग मैं ये मानता हूं बेटा आप बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे फिजिकल चेंज क्या होता है और केमिकल चेंज क्या होता है। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक में मैं आगे बढ़ जाता हूं बेटा, प्योर सब्सटेंस। पहली बात ये आती है बेटा, प्योर सब्सटेंस होता क्या है बेटा, हमें पता है जब किसी भी सब्सटेंस में, मतलब जिसमें भी क्या होता है बेटा, उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स या उनके कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स का क्या होता है बेटा, डेफिनेट नंबर होता है, डेफिनेट रेशियो होता है, तब उसको कहते हैं प्योर सब्सटेंस। क्या बोलते हैं बेटा, प्योर सब्सटेंस, ओके, यानी वो प्योर फॉर्म में है, बोलो जी, प्योर सब्सटेंस, ठीक हो गया, जब उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का, ठीक हो गया, का जो नंबर होता है ना बेटा, मिक्सचर का जो नंबर होता है वो रेशियो सेम होता है, ठीक हो गया, एक डेफिनेट रेशियो में जब वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स उसमें एग्जिस्ट करते हैं तो उसको कहते हैं प्योर सब्सटेंस, ठीक हो गया बात। अब देखो प्योर सब्सटेंस को आगे फर्दर डिवाइड किया है बेटा दो सब पार्ट में, किस किस में, एलिमेंट्स में, ठीक है,
और किस में बेटा, कंपाउंड्स में, किस में, एलिमेंट्स में और कंपाउंड में, ठीक है। अब देखो ये क्या चीज है, ध्यान से समझो, एलिमेंट्स क्या है बेटा। एलिमेंट्स की पहली डेफिनेशन दी थी बेटा एंटोनी लेवेजियर ने। तो एंटोनी लेवेजियर एक साइंटिस्ट था बेटा, फ्रेंच केमिस्ट था। तो उसने ये बात बताया कि जो एलिमेंट्स है ना बेटा, एलिमेंट्स क्या होगा, एलिमेंट्स कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू द फर्दर केमिकल रिएक्शन। मतलब एलिमेंट्स एक ऐसी क्वांटिटी है, ऐसा मैटर है, मैटर की वो स्टेट है जो कि फर्दर डिवाइड नहीं होगी, मतलब कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू द केमिकल रिएक्शन में, कि जो भी अगर केमिकल रिएक्शन हम करवाएंगे ना तो ब्रेक नहीं होगी जी। ये बात बताई बेटा किसने, एंटोनी लेवेजियर ने, एंटोनी लेवेजियर ने। बात क्लियर है या नहीं, एंटोनी लेवेजियर ने ये बात बताई। अब देखो एलिमेंट्स तीन टाइप से क्लासिफाई कर सकता हूँ बेटा मैं, किस किस में, मेटल्स में क्लासिफाई कर सकता हूँ, ओके, नॉन मेटल्स में क्लासिफाई कर सकता हूँ, समझ रहे हो बात, और किस में बेटा, मेटलॉइड्स में क्लासिफाई कर सकता हूँ, मेटलॉइड्स में, ठीक हो गया। अब अगर मैं एलिमेंट्स की अगर सॉरी मेटल्स की अगर मैं बात करता हूँ, तो मेटल्स क्या होता है बेटा, सभी को पता है लस्ट्रस होते हैं, शाइनी पार्ट आता है उसमें, ठीक हो गया। एलिमेंट क्या होता है, सॉलिड इन नेचर होते हैं, ठीक हो गया, ओके बेटा। और क्या होती है, दूसरी प्रॉपर्टी होती है मैलिएबिलिटी की। मैलिएबिलिटी क्या होती है, थिन शीट्स में कन्वर्ट किए जा सकते हैं, ठीक हो गया। और क्या होता है बेटा, डक्टाइल इन नेचर होता है, ठीक हो गया। डक्टिलिटी होती है, डक्टाइल इन नेचर होता है। मैलिएबिलिटी होती है, मैलिएबिलिटी होती है, समझ रहे हो बात, ओके। और क्या होता है बेटा, लस्ट्रस इन नेचर होता है, लस्ट्रस, ओके। अब देखो मैलिएबिलिटी क्या होता है, थिन शीट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। डक्टिलिटी क्या होती है बेटा, इनकी पतली वायर में कन्वर्ट किए जा सकते हैं, ठीक हो गया। ये पतली वायर्स बन सकती है इनकी मेटल्स की, ठीक है। एग्जांपल भी देख लो, एग्जांपल क्या हो गया बेटा, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, और क्या हो गया बेटा, एयू हो गया, ठीक है। अब अगर मैं नॉन मेटल्स की बात करता हूँ बेटा, जो ये होगी इनके रिवर्स होती है बेटा, नॉन डक्टाइल होती है, नॉन मैलिएबल होता है, ठीक हो गया। कौन सा, नॉन मेटल्स, और क्या होता है, सॉलिड्स होते हैं, ठीक है, सॉलिड्स होते हैं। और मजेदार बात जो होती है बेटा मेटल्स में, ये क्या करते हैं, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट कंडक्ट करते हैं, ठीक है। ध्यान से देना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसकी, कि जो भी मेटल्स होते हैं वो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एज वेल एज हीट। अब जो नॉन मेटल्स होते हैं वो कंडक्ट नहीं करेंगे इलेक्ट्रिसिटी, ना तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, ना ही क्या करेंगे बेटा, हीट कंडक्ट करेंगे, एक्सेप्ट फ्यू कुछ एग्जाम्पल है, वो आप बाद में देखेंगे, ठीक है, बड़ी क्लासेस में। इसके एग्जाम्पल देख लो, कार्बन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, ईटीसी, ठीक है बेटा, बात क्लियर है। अब बात करते हैं कंपाउंड्स पे आते हैं बेटा। कंपाउंड्स क्या होते हैं बेटा, कंपाउंड्स क्या होते हैं, जब दो एलिमेंट्स वो डिफरेंट, जब दो एटम्स वो डिफरेंट एलिमेंट्स के भी हो सकते हैं और सेम एलिमेंट्स के भी होकर कंबाइन करते हैं, कंबाइन टू इच अदर, दैट इज फॉर्म, दिस इज फॉर्म, तब किसका फॉर्मेशन होता है बेटा, कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। तो दो डिफरेंट एलिमेंट्स जब कंबाइन होते हैं तब क्या बनता है, कंपाउंड्स बनता है, ओके। और एक उनका डेफिनेट रेशो होता है, जैसे वाटर की अगर मैं बात करता हूँ बेटा, तो इसमें एक ऑक्सीजन का एलिमेंट मिला और दो हाइड्रोजन के एलिमेंट मिलकर क्या बनाया, कंपाउंड बनाया, ओके। नाइट्रोजन गैस की मैं बात करता हूँ, नाइट्रोजन का एलिमेंट पास आए तो क्या बना बेटा, N2 बना, ठीक हो गया, बात क्लियर है, N2 का कंपाउंड बना, ठीक हो गया बेटा, ओके। तो ये लेसन यहीं पर खत्म हो जाता है, इसके बाद आपको असाइनमेंट मिलेगा और उसको सॉल्व करना है। कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछना है। थैंक यू।